हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने मेवात कैंडर के लिए पीआरटी की वैकेंसी जारी कर दी है। तो क्या आपको ये बात पता है कि आप फॉर्म भरने के एलिजिबल हैं या नहीं? क्या आप ये जानते हैं कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है? तो मेरे साथियों, प्यारी सी वीडियो में अच्छे से बने रहिएगा, मैं आपको पूरा डिटेल माजरा बताने वाला हूँ। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो मेवात कैंडर के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया है, वो 9 अगस्त को जारी किया है, जिसका फॉर्म भरना 8 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। और आप जानते हैं कि 8 अगस्त से और फिर 21 अगस्त इसका लास्ट डेट है, तो बहुत ही कम समय मिल रहा है। इसलिए वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब फॉर्म भर सकें, है ना। लेकिन फॉर्म भरने के बाद फॉर्म कौन भर सकेगा, इसकी चर्चा करेंगे मेरे साथियों आज की इस वीडियो। हाँ, अगर आपने देखो फॉर्म भर दिया लेकिन फीस नहीं भरी, तो लास्ट 23 अगस्त तक आप फीस भर सकते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ में पूरा, जो ऑफिशियल पीडीएफ है, इस पीडीएफ में कौन से पेज पर क्या क्या चीजें हैं वो आपको यहाँ पर डिटेल वाइज दिखाई दे रहा होगा। जैसे इन्विटेशन ऑफ एप्लीकेशन, डिटेल ऑफ पोस्ट ऑन क्वालिफिकेशन, एज रिलैक्सेशन क्या है, रिजर्वेशन क्या है ना, प्रोविजनल ऑफ, ये सारा कुछ आपको, डिटेल ऑफ फीस, क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है, हाउ टू अप्लाई, एप्लीकेशन फॉर्म क्या होगा, ये सब कुछ आपको इस पीडीएफ के यहाँ आपका दिया है। जो भी आपसे पूछा हो, इसके सामने ये पेज संख्या दे रखी है, ठीक है। तो हम इसे थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो मेरे साथी यहाँ पर आप देख पाएंगे, देखो बहुत अच्छे से यहाँ पर मैंशन है। क्या मैंशन है? इन्विटेशन ऑफ एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ऑनलाइन इन्विटेशन आर द इन्वाइटेड फॉर द डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द, कितने पोस्ट हैं देखिए यहाँ पर, मेन जो चीज है ना, कहते हैं ना कि मेन पार्ट आप देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है। 1456 पोस्ट के लिए आपको पीआरटी है ना, प्राइमरी टीचर के लिए, और वो भी कहाँ, पीआरटी इन मेवात, मेवात, ठीक है, मेवात के लिए। और ये पीआरटी की जो पोस्ट होती है वो ग्रुप सी की सर्विस होती है, ठीक है, ये आपकी जारी कर दी गई है, ठीक है। आप यहाँ पर देख पाएंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यह देखेंगे डिटेल ऑफ द पोस्ट, यानी जो प्राइमरी टीचर की जो भर्ती होनी है, जो कि आपकी वैकेंसी टोटल है 1456, इसमें जनरल की पोस्ट कितनी है, एससी की कितनी है, यहाँ देख पाएंगे बहुत ध्यान से, बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस, ये सारा कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। आइए अब थोड़ा सा आगे चलेंगे, और ईडब्ल्यूएस में भी देखो जनरल का अलग है, एससी का अलग है, बीसीए का अलग है, बीसीबी का अलग है, और टोटल आपकी टोटल जो पोस्ट होंगी वो होंगी हमारी 1456, ठीक है। आइए अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सर हमारी ये पोस्ट जो है 1456 है। अब इसमें आप देखिए क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन सबसे ज्यादा महत्व जो आज का हमारा टॉपिक है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है। सबसे पहली बात यह है कि बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जो बीएड करे हैं, ठीक है, बीएड के लिए पहले ही आपका सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था, है ना, क्या बोल दिया है मेरे साथियों, कि जो पीआरटी की वैकेंसी के लिए आप बीएड वाले एलिजिबल नहीं है, ये बात बहुत ध्यान समझ लीजिए। दूसरी बात, जिसने सीटेट क्वालिफाई कर रखा है हरियाणा के लिए, ये जो पीआरटी, जो पीआरटी की जो वैकेंसी आई है, ये भी डिसक्वालीफाई है, ये भी क्वालिफाई नहीं है ना। आपने सीटेट क्वालिफाई कर लिया लेकिन आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। फिर आप कहेंगे, फिर सर हम फिर हम फिर कौन फॉर्म भर सकता है? जिसने एच टेट क्वालिफाई कर रखा है, एच टेट, मेरे साथियों एच टेट वाले साथी क्वालिफाई हैं, एच टेट क्वालिफाई कर रखा है, तो वो फॉर्म इसको भर सकते हैं। और इसमें भी खास बात मैं आपको बता दूं कि जिसने 2023 में एचटेट दिया था, जिसने 2023 का एचटेट क्वालिफाई कर रखा है, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं मेरे साथियों। ये आपको बातें बहुत ध्यान से समझनी है कि बीएड वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं, बीएड वाले एलिजिबल नहीं है, ना सीटेट वाले हैं। जो एचटेट है, जो आप, जैसा कि आप सभी को पता है, अब एचटेट एक बार करने के बाद वो लाइफ टाइम तक चलेगा। तो आपको बता दें कि 2023 में जिसने एचटेट क्वालिफाई कर लिया था, वो भी फॉर्म को भर सकते हैं। तो मेरे साथियों ये जानकारी थी, ये जो आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ये जरूर बताएं। और देखो, तो इसमें कहा भी गया है, आप इतना पढ़ें इससे ज़्यादा बेहतर है, मैंने आपको सीधा बता दिया। देखो यहाँ पर दे भी रखा है, सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाई हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, एलिजिबल टेस्ट, ठीक है, यानी जो हमारे हरियाणा एचटेट दिया होगा, वो जो क्वालिफाई किया होगा, वो फॉर्म भर सकते, ठीक है। चलिए तो यही इन्फॉर्मेशन होते को, इसमें आप देख पाएंगे एज का क्राइटेरिया, आप देखें 18 से 42 साल, पे स्केल आप देख पाएंगे यहाँ पर दे रखा है, ठीक
ठीक है, पे स्केल आप देखेंगे कि सर 9,300 से 34,800 है ना, ग्रेड पे आपको 4,200 ग्रेड पे की जॉब है। चलिए तो मेरे साथियों एज रिलैक्सेशन भी आप यहां पर देख सकते हैं कि एससी के लिए 5 ईयर का आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है, बैकवर्ड कास्ट के लिए भी आपको 5 ईयर का आपको मिलेगा। तो ये आपका नोटिफिकेशन था। मेन मैंने मेरा आज का उद्देश्य ये था कि आपको कौन कौन फॉर्म भर सकता है वो मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं मेरे साथियों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं ये जो आपका फॉर्म आया है पीआरटी, हरियाणा पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं जो वैकेंसी, इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। कर दिया कर दिया।